नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दो दिन दो झटके अरविंद केजरीवाल को। पहले दिन रैपिड एक्स को लेकर के जो उनको फंड जारी करना था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनको पहले भी फटकार लगाई है और दो तीन बार फटकार लग चुकी है और कहा गया था कि ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। और आप जानते हैं कि रैपिड एक्स जो है वो दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर को जोड़ने वाली है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली क्षेत्र में जो रैपिड एक्स की लाइन पड़नी है, जो दूसरी सेवाएं होनी है, स्टेशन बनने हैं, यानी ऑपरेशनल जितना भी वो है वो भी उसको लेकर के ना नुकर कर रहे थे फंड को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डांट पड़ी थी, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप हफ्ते भर में 415 करोड़ जारी करिए, तब तो कह दिया था, लेकिन बाद में किस्तों पर आ गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार पड़ी है कि जब तक आपकी बाह नहीं मरोड़ी जाएगी तब तक आप लाइन पे आएंगे नहीं। और ये एक बहुत कहना चाहिए कि कड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके लिए। दूसरा झटका लग गया आज, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उसके लिए पहले से पेशबंदी कर रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार ना मिल जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने ही तो इनके साथियों को, इनके मंत्रियों को तिहाड़ भेजने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त किया था। अगर उनकी रिपोर्ट ना आती आबकारी घोटाले पर, अनियमितताओं पर, गड़बड़ियों पर, तो ना सीबीआई की जांच बैठती, ना सारा इनका भंडाफोड़ होता, ना ईडी की एंट्री होती, ना इनकी गिरफ्तारियां होती। और अब तो सरजी भी लाइन में हैं। तो ये चाहते थे कि ये चीफ सेक्रेटरी सेवा विस्तार ना पाने पाए। सुप्रीम कोर्ट गए थे विरोध करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका 6 महीने का विस्तार करना चाहती है सेवाओं का, 30 नवंबर को यानी कल वो रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि केंद्र सरकार के फैसले में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, यानी इनको झटके पर झटके लग रहे हैं। जरा अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली के बारे में जो सबसे बेहतर जानते समझते हैं उनके पास चलते हैं और जरा समझते हैं पूरे मामले को। अब क्या होने वाला है, विजय सरदाना साहब के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, दो दिन और दो झटके, पहले झटके के बारे में भी थोड़ा सा बताइए और दूसरे झटके के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। ओंकार जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत सरकार ने दिल्ली एरिया में पॉल्यूशन कम करने के लिए और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए RRT रीजनल रेड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का प्लान किया। और सर, इसमें 3 स्टेट आते हैं, दिल्ली और यूपी, ये तो डायरेक्ट है ही है इस पूरे प्रोसेस में। और फिर इसमें जो पूरा RRTS का एरिया है, इसमें हरियाणा अप टू पानीपत और राजस्थान में अप टू अलवर, इन सबको मिला के एक रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली में, दिल्ली के आसपास NCR में विकसित होने का पर्पस ये था कि एक तो दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली एक मेन कमर्शियल हब है, एम्प्लॉयमेंट हब है, तो बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से चल के आते हैं और यहाँ पे अपना सेवाएं देते हैं और शाम को घर जाते हैं। इस कारण ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, लोगों का खर्चा बढ़ जाता है और फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही, मतलब कि दुखदायक परिस्थितियां होती हैं। और आपको पता है दिल्ली में जब ट्रैफिक जाम होता है और मौसम खराब हो, फॉग हो, तो क्या दिक्कतें आती हैं। इन सब की समस्याओं को निजात देने के लिए RRTS का प्लानिंग किया गया और पहली रोड बन रही है मेरठ और दिल्ली के बीच में।
पहला जो चैनल बन रहा है उस पे काफी काम हो गया, 17 किलोमीटर का इनॉग्रेशन भी हो गया। इसमें कुल खर्चा जो आना है उसमें दिल्ली सरकार का सबसे न्यूनतम खर्चा है, क्योंकि इसमें तीन पार्टियां हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है यूपी गवर्नमेंट और एक है दिल्ली गवर्नमेंट, और मेजॉरिटी कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, नंबर टू पे यूपी गवर्नमेंट है, और दिल्ली के खाते में मात्र 1180 करोड़ रुपए। और ये क्योंकि तीनों सरकारों के, अगर मैं ये कहूं कि सहमति से हुआ है, तो तीनों इसमें पार्टनर हैं, क्योंकि तीनों का भला होना है, दिल्ली में दिल्ली की जनता का भला है, दिल्ली को ट्रैफिक आता है, दिल्ली के अंदर लोग काम करने आते हैं, तो दिल्ली की आमदनी बढ़ती है, दिल्ली का जीएसटी बढ़ता है वगैरह वगैरह, तो दिल्ली का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनकी सुविधाएं भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और उनकी इनकम भी बढ़ रही है, इसी तरह से यूपी का, और फिर बाकी खर्चा केंद्र सरकार ने कहा हम उठाएंगे। जब 1180 करोड़ देने की बात आई तो केजरीवाल साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, और पैसे नहीं है क्योंकि 1100 करोड़ रुपए उन्होंने 3 साल में अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा दिए। तो जो खर्चा या जो जन सुविधा के लिए पैसा लगना चाहिए था उसका बजट प्रोविजनिंग नहीं किया, और वो पैसा पूरा डाइवर्ट कर दिया अपनी खुद की सेल्फ पब्लिसिटी के लिए। अब क्योंकि आरटीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक अलग से संस्था बनाई है, जैसे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन एक अलग से संस्था है जो दिल्ली की मेट्रो का रखरखाव करती है, इसी तरह से आरआरटीएस के लिए भी एक अलग से संस्था बनाई गई है जो आरआरटीएस के संचालन का ध्यान रखेगी। जी तो कहा कि साहब हम काम आगे कैसे बढ़ाएं, पैसे ही नहीं मिल रहे हमें। और यह मुद्दा चला गया, पहले तो इंटरनल लेवल था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर बात आई कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों है, तो पता लगा कि सर जो हम अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी रफ्तार इसलिए नहीं बढ़ रही कि हमें जो कंसर्न पार्टी है वो पैसा नहीं दे रही। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया कि पैसा कौन नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा दिल्ली सरकार। तो फिर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा कि एक तो दिल्ली का पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जब प्रयास किए जा रहे हैं तो दिल्ली सरकार उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रही जो प्री एग्रीड कमिटमेंट है। तो फिर एज यूजुअल केजरीवाल साहब मकारी पे उतर जाते हैं, बहानेबाजी करने लगते हैं, पैसा नहीं है, हम बजट प्रोविजनिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब पूरी दुनिया देख रही है कि केजरीवाल 24 घंटे अपनी ही पब्लिसिटी पे पैसा लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया दिल्ली सरकार को कि आप मुझे ये बताइए कि केजरीवाल ने अपनी पब्लिसिटी पे कितना पैसा लगाया। तो जब वो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट गया तो पता लगा कि वो तो 1100 करोड़ रुपए है जो पब्लिसिटी पे केजरीवाल ने खर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप आरआरटीएस का पैसा तुरंत ट्रांसफर कराइए, नहीं तो आपका सारा एडवर्टाइजमेंट बजट हम ट्रांसफर कर देंगे आरआरटीएस को, फिर आपको अपनी फोटो छपवाने के पैसे नहीं बचेंगे। तो फिर केजरीवाल साहब की सरकार ने जबरदस्ती अंडर प्रेशर आके कमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि साहब हम दे देते हैं, और इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है ये दे देते हैं नहीं चलेगा, 7 दिन में दीजिए और अगले हफ्ते रिपोर्ट करिए कि आपने दिया या नहीं। तो जब अगले हफ्ते दोबारा हियरिंग थी तब वहां पे मुद्दा ये उठा कि सर दिल्ली सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये आदमी जरूरत से ज्यादा चालबाजी कर रहा है, तो उन्होंने सख्त आदेश दे दिए कि ऐसा है कि ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप हमें पेपर दिखाइए। तो इन्होंने ये कहा कि साहब पेपर हमने सैंक्शन कर दिए, मतलब मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, चालबाजी देखिए आप कि हमने ऑफिस फाइल बुक कर दिए और ऑफिस फाइल पे हमने लिख दिया है कि 415 करोड़ ट्रांसफर कर दिए जाए। अब केजरीवाल साहब का वादा तो आपको पता है सर कि हम तो आम आदमी है, आम आदमी घर में रहेंगे, उस वादों का क्या भरोसा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं रहा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए या तो ये आप तमाशा करना बंद करिए, ये सैंक्शन ऑर्डर से काम नहीं चलेगा, पूरा अमाउंट ट्रांसफर करिए जितना आपको देना, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को झांसे में देने के लिए कि जितना पैसा देना था उसमें आधा इन्होंने कह दिया कि हम दे रहे हैं, और वो भी फाइल में दिया है, एक्चुअल मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, आप ये पार्शियल कंप्लायंस नहीं होगा, फुल कंप्लायंस होगा और तुरंत होगा, एक हफ्ते में होगा,
हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे कि आपका कौन कौन सा बजट कहां कहां से हम काटे और किधर डाइवर्ट करें, क्योंकि आप सुन नहीं रहे से। तो जिसे बोलते हैं ना कि केजरीवाल साहब की बाह मरोड़ी गई, जो मोहल्ले में गुंडागर्दी करता है तो उसको आप क्या करते हैं, कई बार लोग पहले समय समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर पकड़ के दो चपत लगाते हैं। तो केजरीवाल साहब के साथ हुआ है कि उनकी बाह मरोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी सिर्फ बाह मरोड़ी है, उन्होंने कहा कि देखिए नहीं तो अब सुधर जाओ नहीं तो चपत भी पड़ जाएगी। तो अब अगली हियरिंग में अब ये देखना है कि केजरीवाल साहब सुधर गए हैं या उनको चपत पड़ती है। तो ये स्थिति है सर दिल्ली के केजरीवाल की, वो जो हमेशा बोलता रहा है कि मेरे पास सरप्लस बजट है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा ट्रांसफर कर दो तो कहता मेरे पास पैसे नहीं है। पर आप देखिए कि कौन कहां कब कैसे झूठ बोलना है ये केजरीवाल को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद फंस जाता है, प्रॉब्लम ये हो गई। विजय जी थोड़ा सा जरा ये भी समझाइए, कुछ समय पहले तक एक परसेप्शन ये क्रिएट हो रहा था कि हर मामले को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामले में भी, सेवा शर्तों के मामले में भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो बेंच बैठी थी उसने अल्टीमेटली केंद्र सरकार को ये कह दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग, सेवा शर्तें, ये सब तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सुपुर्द कर दिया जाए। जिस पर बाद में जो कुछ इन्होंने किया सतर्कता डिपार्टमेंट में, वो रायता ये पूरी तरह फैलाते उससे पहले केंद्र सरकार को अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रोकना पड़ा। और फिर सब जानते हैं, देश जानता है कि पार्लियामेंट में कानून लाया गया और उसमें संशोधन करके इनके रास्ते बंद किए गए, सुप्रीम कोर्ट को भी एक संदेश और संकेत दिया गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर सुप्रीम कोर्ट को क्या संदेश और संकेत देगी, क्या सुप्रीम कोर्ट को अब खुद ही ये अनुभव हो गया है, एहसास हो गया है कि इस आदमी को अगर हम जरा सा भी फेवर करें या पावर दें तो ये उसका मिसयूज करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके से रातों रात इन्होंने सतर्कता विभाग में जाकर के फाइलों की जीरोक्स कॉपी करानी शुरू कर दी थी और वहां के स्पेशल सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया था। सर एक कहावत है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, करनी और कथनी में केजरीवाल के बहुत फर्क है। दुनिया तो जानती थी, समाज जानता था, लोग जानने लगे, और अब जजेस को भी समझ में आ गया कि ये आदमी के शब्दों पे भरोसा शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहता कुछ है और करता कुछ है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, अब केजरीवाल साहब अपनी हरकतों के कारण बदनाम हो गए हैं कि ये आदमी क्या बोलता है इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी बोल दीजिए, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, महात्मा गांधी के चेले हैं, अंबेडकर के ये हैं, हम वो हैं, ये हर तरह के जो कहते हैं ना कि उस हीरो को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं बस उन्हीं का अनुयायी हूं, लेकिन करते एग्जैक्ट उल्टा है। तो ये उन्हीं लीडर्स को पकड़ते हैं जहां से इनको लगता है कि मैं इनकी फोटो लगाऊंगा तो शायद मेरा वोट बैंक पॉलिटिक्स चल जाएगा। पंजाब में है तो भगत सिंह जी का नाम, SC ST में है तो अम्बेडकर का नाम, अगर आपको कहीं और कुछ करना है तो गांधी जी का नाम। इस तरह से इसने अपनी एक राजनीति चमकाई है। अनफॉर्चुनेटली जब हरकतों की बात आती है तो हर जगह पे घोटाला घपला निकल रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जब इन्होंने ये कहा कि साहब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अगर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हम नहीं करेंगे तो अधिकारी हमारी सुनेंगे नहीं तो हम काम कैसे करवाएंगे, ये बात सही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को ट्रस्ट करके कहा ठीक है आप अच्छा काम करिए, हम आपको परमिशन देते हैं। इन्होंने सबसे पहले अच्छा काम क्या किया, इनके खिलाफ जो फाइलें खुली हुई थी सबसे पहले उन्हीं फाइलों की चोरी करवाई, जिसको CCTV कैमरे में दुनिया ने देखा। फिर जिन अधिकारियों ने इनके खिलाफ फाइलें खोली थी, जिनके डिपार्टमेंट्स में इन्होंने घपले किए थे, एक्साइज में और बाकी जगह पे, विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम है इस तरह की सारी फाइलों को इकट्ठा करके प्रोसेस करके प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को देना, इन्होंने सबसे पहले उन्हीं अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए जिनके पास केजरीवाल की करप्शन की फाइलें थी। हंगामा मचा,
सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि यार हमने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, ये तो नुकसान कर बैठेगा। सही। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब केजरीवाल साहब, उसके बाद फिर केजरीवाल साहब ने लंबा नाटक खेला, कांग्रेस को धमकाया, राहुल गांधी जैसे धमक गए कि भाई या तो तुम मेरे साथ राज्यसभा में खड़े हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा पुरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। अब राहुल गांधी साहब का कितना कॉन्फिडेंस है पॉलिटिक्स में वो हम सबने देखा है। वो इनकी कपकी में आ गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो आप ही के साथ हैं। और राज्यसभा के अंदर और लोकसभा में जो ऑर्डिनेंस था वो जब कानून के रूप में आ गया तो केजरीवाल साहब को लगा भी दो हाथ से गए। और तभी हमने कहा था कि इस कोलिशन का जो इंडी अलायंस है, डॉट डॉट पार्टियों का जो ग्रुप बना है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और आप देख लीजिए कोई बात भी नहीं कर रहा उसकी, 6 महीने भी नहीं हुए कि फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि कोई ये सब अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए थे। तो जब ये सब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा यार ये आदमी भरोसे लायक नहीं है, ये आदमी मरवाएगा। और अननेसेसरी जनता में इमेज ये जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट बगैर तथ्यों को देखे उस आदमी के हाथ में शक्तियां दे रहा है, केंद्र सरकार जो कंट्रोल करना चाह रही है उसको डाइल्यूट कर रहा है, जिससे देश का पैसा, दिल्ली का पैसा बर्बाद हो रहा है और देश में अराजकता फैल रही है। ये मैसेज ना चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट जहां पहले थोड़ा सा प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता हुआ दिख रहा था, मैं नहीं कहूंगा कि देता था क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो देता हुआ दिख रहा था कि केजरीवाल की जब भी अपील जाती थी तो प्रायोरिटी पे सुनवाई हो जाती थी। जी जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप लाइन से आइए। और स्थिति ये है कि 370 जब ये केस की हियरिंग शुरू हुई थी उससे पहले इन्होंने लाइन लगाई थी कि साहब पहले हमारा केस सुन लो बाद में 370 सुनना। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं पहले हम 370 सुनेंगे उसके बाद आपका केस सुनेंगे, और उस केस का अभी तक नंबर नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि अब केजरीवाल साहब आप वीवीआईपी नहीं है, आप आम आदमी है, लाइन से आइए। आप तो आम आदमी पार्टी है ना, आप लाइन से आइए तो आपकी इमेज को और आपके कर्मों को सूट करता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनको लाइन पे लगा दिया आम आदमी के साथ। ये स्थिति आज बन गई है और इसीलिए केजरीवाल साहब तिल मिला रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं जिस तरह से हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहां इनको पहले बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था कि ये है दुनिया बदलने आए हैं, इनकी नीयत अच्छी होगी, जब देखा कि ये तो कोयले से भी ज्यादा काले हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई फायदा नहीं है, जो कानून कहेगा हम बिल्कुल वर्बेटिम कानून के साथ जाएंगे, किसी तरह का स्पेशल कंसिडरेशन नहीं होगा। तो आज सर स्थिति ये है अरविंद केजरीवाल। और विजय जी, चूंकि इधर शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के केसों की भी लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सीबीआई भी ईडी भी लगातार इंट्रोगेट भी कर रही है और इनको भी समन भेजे गए थे, मुझे लगता है कि अब 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद संभवतः फाइनली या तो इनको समन किया जाएगा या शीश महल में जाकर के ही एजेंसी इनसे पूछताछ करेगी और आगे की जो कार्रवाई होनी है वो करेगी। सर देखिए बात बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में आप सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म करिए, क्योंकि इनके परम मित्र दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को ये कह के जेल भेज दिया था वापस कि अभी आप आराम करिए, आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपके लिए हमने सरकारी गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, सुरक्षित रहेंगे आप वहां पे, आप वहां रहिए, 3-4 महीने बाद देखेंगे आपको फिर बाहर दिल्ली की पॉल्यूशन की हवा में बाहर निकालना है या अंदर ही रखना है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये कहा था कि आप इस केस को 6 से 8 महीने में खत्म करिए, और जब 6 से 8 महीने में अगर ये केस खत्म करना है तो उसमें जितने भी बड़े खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं उनका भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा सर, क्योंकि कर्ता धर्ता तो वही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आफ्टर ऑल ये प्यादे तो केजरीवाल के ही हैं। तो जब प्यादे अंदर हैं और फिर जो इनके बाकी छोटे मोटे और प्यादे और बिजनेस दोस्त इनके अंदर हैं, सुकेश जैसे लोग अंदर हैं जो लगातार एविडेंस दे रहे हैं, सरकारी विटनेस बन रहे हैं, तो सारे आंकड़े तो हैं। अब
अगर सीबीआई और ईडी को वापस सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये कह कि देखिए हमने केस कंक्लूड कर लिया, तो इनको तो बुलाना ही पड़ेगा जांच के लिए। सही। और जब जांच के लिए आप बुलाओगे तो बाकी जो एविडेंसेस हैं वो इनके सामने रखे जाएंगे। अब दो ही ऑप्शन होते हैं सर जब एविडेंस रखे जाते हैं, या तो हाँ या ना, कोई तीसरा बीच का रास्ता तो है नहीं। लेकिन आजकल बीच का रास्ता निकल गया है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे नहीं पता, मेरे को याद नहीं, क्योंकि सडनली ये लोग गजनी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, इस पूरे प्रोसेस में अब इनका बुलाना तो तय है। अब आपको और हमको भी अंदेशा है कि इतने विस्फोटक एविडेंसेस ईडी और सीबीआई के पास होंगे कि इनका बचना मुश्किल है। इसीलिए ये अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी कर रहे हैं कि मैं जेल चला गया तो सीएम कौन बनेगा, शीश महल में रहना कितने दिन बचा है, फिर फ्यूचर में जब इलेक्शन लड़े जाएंगे तो कौन क्या होगा, पार्टी कौन संभालेगा, कौन प्यादा क्या करेगा, ये सब उसका गेम प्लान चल रहा होगा। इसीलिए आज स्थिति ये है। और इनको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि आरआरटीएस की जो फाइलें हैं उनको क्लियर कर दें ताकि पेमेंट रिलीज हो सके, तो ये वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी और फजीहत हो रही है। तो स्थितियां गंभीर है सर, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और विजय जी, जो आज का महत्वपूर्ण मामला है, यानी कल का जो महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकी याचिका को ही खारिज कर दिया, जिसमें ये चीफ सेक्रेटरी का सेवा विस्तार रुकवाना चाहते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 6 महीने का सेवा विस्तार उनको देना चाहती थी, नरेश कुमार को। नरेश कुमार के खिलाफ इन्होंने पेशबंदी तो बहुत की थी, द्वारका एक्सप्रेस वाला मामला कुछ मीडिया में उछलवा दिया, सीबीआई को फाइल भेज दी जी इसमें जांच करिए, मतलब जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि डायरेक्ट आप सीबीआई को फाइल भेज रहे हैं। आपको पता है कि आप पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी ये हरकत कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक अस्पताल का मसला भी ले आए और दोनों मामलों में कहा कि चीफ सेक्रेटरी के बेटे को या शायद दामाद को इसमें बहुत बड़ा फेवर दिया गया है, तो इनकी जांच की जानी चाहिए। ये सब बवाल इसलिए काट रहे थे कि सेवा विस्तार ना मिल सके और हमारी किसी तरीके से जान छूट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी इनको बड़ा झटका दे दिया। सर, बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे चर्चा करी और मैं पूरी डिस्कशन को वर्बेटिम सुना है। जी जी, आप आज सुप्रीम कोर्ट लेट बैठा क्योंकि इनके ऑर्डर, इनका जो जजमेंट था ऑनरेबल कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस साहब उसको डिक्टेट करा रहे थे और काफी उतार चढ़ाव दोनों तरफ से, काफी अच्छी बहस हुई। लेकिन अल्टीमेटली जो साथी मेरा चैनल भी देखते हैं, परसों भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था कि सुप्रीम कोर्ट गलत परंपरा क्यों शुरू कर रहा है। मुझे खुद इस बात की खुशी है कि जो आर्ग्यूमेंट मैंने अपने चैनल पे दिए थे एग्जैक्टली वहीं पे आके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी। मेरा यह कहना था कि पहली बात तो दिल्ली स्टेट नहीं है, क्योंकि दिल्ली का कानून बहुत क्लियरली बोलता है, दिल्ली का कानून ये बोलता है कि भाई दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, एंड यूनियन टेरिटरी में जो स्पेशल प्रोविजन है हम वो कर रहे हैं। तो दिल्ली को कभी पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं मिला, इसका मतलब केंद्र सरकार के पास उनके पूरे अभी काम करने के अधिकार हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई, अगर आप देखें संविधान के अंदर भी, मैंने अपने चैनल में इसको बहुत विस्तार से बताया है, तो डिटेल में अगर बाकी लोग देखना चाहते हैं तो मेरा उस एपिसोड को चले जाएं जहां पूरा टेक्निकली एंड लीगली मैंने उसको देखा है। सबसे पहले तो सर मैंने कहा था कि जो एनसीटी है वो एक यूनियन टेरिटरी है। कहीं पे भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 239AA, वहां पे ये नहीं लिखा था कि दिल्ली इज कन्वर्टेड इनटू स्टेट। तो इसमें ये कहा गया था, जो दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो मैं थोड़ा सा बारीकी अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं, जो 69th अमेंडमेंट था 1991 का, उसमें कहा था द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जी, यूनियन टेरिटरी विल बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये नहीं कहा था कि दिस बिकम्स अ दिल्ली स्टेट।
इस बात को, इस बारीकी को हमें समझना होगा। केजरीवाल को समझना होगा। हाँ, तो केजरीवाल साहब के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पूरी टीम बार बार पूरे कोर्ट में कहते रही, स्टेट्स हैव द फॉलोइंग राइट, स्टेट हैज दिस, स्टेट हैज दैट। मेरा ये कहना है कि आप स्टेट की बात मत करो, ये यूटी है, मॉडिफाइड यूटी है, यूनियन टेरिटरी विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। सिर्फ आपको जो म्युनिसिपैलिटी काम करती थी वही काम करने के लिए आपको विधानसभा दी है, इसके आगे कुछ नहीं दिया है। जो म्युनिसिपैलिटी थी उसी को म्युनिसिपैलिटी में रखी और आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जनता कुछ म्युनिसिपैलिटी के और लोग चुन ले विधानसभा में एज ए एमएलए, वो सिर्फ उतना ही काम दिया गया है। लेकिन जितने क्रिटिकल एरियाज हैं दिल्ली के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, बिल्कुल केजरीवाल के भरोसे हम भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे दूतावास, सुप्रीम कोर्ट, इनकी और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की जिम्मेवारी हम नहीं दे सकते। यहाँ एम्बेसीज भी हैं, विदेशी मेहमान भी आते हैं। कल को केजरीवाल साहब राजपथ पे धरने पे बैठ जाएंगे 26 जनवरी को, तो क्या करेंगे अगर हम सारे अधिकार इनको दे देंगे, पुलिस इनकी, तो क्या दिल्ली में ये तमाशा करने का इनको अधिकार दे दिया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने, देखो आपको याद होगा एक बार इन्होंने तमाशा किया था 26 जनवरी के पास, वहां पे रेल भवन के पास जाके कि मैं तो धरने पे बैठा हूं। तो कल को ये राजपथ के ऊपर, जिसको आज हम बोलते हैं कर्तव्य पथ, ये उसके बीच में जाके खूंटा गाड़ के बैठ गए कि जी पुलिस तो मेरी है और मैं धरना दूंगा, 26 जनवरी की परेड नहीं होगी। ये तो कुछ भी कर सकता है इंसान, तो कैसे इसके हवाले दिल्ली की जाए? और इसके अलावा क्या कोई भी सनकी मुख्यमंत्री तो बन ही सकता है ना सर? ये कहीं तो लिखा हुआ नहीं है कि सनकी आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो अगर उनकी सुननेगी तो बना सकती है मुख्यमंत्री। कहने का मतलब ये है सर, दिल्ली की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को और दिल्ली की जमीन, क्योंकि कल को आप बोल दोगे कि जी मैं तो पार्लियामेंट हाउस के आगे चाय का ठेला लगाऊंगा और मैं यहाँ पे एक स्ट्रीट हॉकिंग एरिया बना रहा हूं, तो आप तो कुछ भी बोल सकते हो। तो इसीलिए जमीन, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये केंद्र सरकार ने अपने पास रखा जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनको क्या काम दिया गया, बाकी जो 104 काम और हैं कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट के अंदर, ये कहा गया आप नाली साफ करवाइए, झाड़ू लगवाइए, स्कूल लगवाइए, बिजली लगवाइए, दवाइयां पहुंचवाइए, ये सब काम करिए, डीटीसी की बस चलाइए, जिसमें सब में घपले दिख रहे हैं एक एक करके, हर डिपार्टमेंट में घपला सामने आ रहा है। वहां पे जब ये मुद्दा आया इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की प्रमोशन को, एक्सटेंशन को लेके, तो पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई जो बाकी स्टेट्स के अधिकार हैं वो दिल्ली के अधिकार नहीं, पहली बात। दूसरा, तीन महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ये केंद्र के पास है, अब चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार के जो सीनियर अधिकारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के एक जूनियर अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, पॉसिबल है क्या? ये टेक्निकलिटीज है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा दिया गया वो ये दिया गया इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि ये जो डेफिनेशन है, जो अमेंडमेंट हुआ था कानून, जिसको अभी इन्होंने चैलेंज किया है, उस अमेंडमेंट के अंदर बहुत क्लियरली ये कह दिया गया था कि आप इसमें जो चीफ सेक्रेटरी है, जिसको लेके काफी बहस हुई, डेफिनेशन 45A(d) के अंदर, चीफ सेक्रेटरी मींस चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे केजरीवाल साहब के वकीलों ने यह कहा कि सर ये तो सिर्फ लिखा हुआ है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहां लिखा हुआ है कि इट विल बी और शेल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो बारीकियों पे गए कि इसमें ऑपरेटिंग क्लॉज नहीं है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने कहा देखिए हम अभी इस डिटेल में जाएंगे नहीं कि इसमें ऑपरेटिव पार्ट है या नहीं है, फिलहाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के जो है वो केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया हुआ है, दिल्ली सरकार यूटी है। बाकी जो मैंने आपको बताया इसमें और भी आर्ग्यूमेंट है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वर्चुअली 2 दिन बहस चली है, पूरी डिटेल में चली है जी। तो कहने का है कि अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि इस समय केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में ऐसे करीब 57 इंसिडेंट्स हुए, 57 इंसिडेंट्स जहां चीफ सेक्रेटरीज की
एक्सटेंशन दी गई है ऑन सुपर एनुवेशन, तो अगर दिल्ली में दिया जा रहा है तो इसमें कोई विचित्र नहीं है। फिर इनके आर्ग्यूमेंट ये था कि 30 साल में आज तक नहीं हुआ, भाई 30 साल में का सीएम होंगे, अब आप आए हो, आपसे नहीं संभल रही स्थितियां, तो हम क्या करें, तो हमारे पास एक काबिल ऑफिसर है जो संभालेगा, तो समस्या ये आ गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार एग्जिस्टिंग चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकती, केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, बाकी स्थितियां आप लोगों ने समझाई, केंद्र सरकार के वकीलों ने अपनी बात रखी, राज्य सरकार के वकीलों ने अपनी बात रखी, कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला है कि हमें इसमें कहीं कोई गलत नहीं लग रहा है। और हाँ, ये बात सही है कि आपने जो संविधान इसमें पार्लियामेंट में जो कानून बदला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जो पिछली बार आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्विसेज एक्ट को चैलेंज किया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नया कानून लेके आए जिसको इन्होंने अब चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए वो मुद्दा अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है, हमने उसको स्टे नहीं किया है, इसका मतलब वो कानून अभी ऑपरेशनल है, उसकी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लीगैलिटी, वो सब अभी बहस के मुद्दे हैं, जब तक वो कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक ये कानून लागू रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक उसको स्टे नहीं किया। तो ये सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार अगर एग्जिस्टिंग चीफ सेक्रेटरी का अगर टेन्योर एक्सटेंड करना चाहती है बाय 6 मंथ्स तो कर सकती है, इसमें हमें कहीं पे कोई लीगल या कोई और कारण से गलत नहीं लग रहा है। तो ये स्थिति सर इस मुद्दे पे है जिसकी आपने बात उठाई। और विजय जी, अगले 6 महीने में इन्हीं चीफ सेक्रेटरी को झेलना पड़ेगा, केजरीवाल साहब को, तो अगले 6 महीने में और क्या क्या होगा, कौन कौन सी जांचें ऐसी हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अभी आप तो कई बार कह चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनकी अगर पूंछ उठाई जाए तो बहुत कुछ वहां से निकलने वाला है। सर, जितने डिपार्टमेंट में पब्लिक का पैसा खर्च हुआ है सब जगह आपको घपला मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि जिस आदमी की फितरत चोर बाजार की हो जाती है ना सर, जिसे कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत है ना सर, ये यहां फित बैठती है, बड़ी ना करें छोटी जरूर करी होंगी। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो आदमी अपने घर के नक्शे को पास कराने के लिए पेड़ों की चोरी करा सकता हो, कैन यू इमेजिन, ये भी एक केस है जो मैं आपको कभी और बताऊंगा। ये भी एक केस है कि केजरीवाल ने अपना शीशमहल बनाते समय कई पेड़ गायब करवा दिए थे, तो और वो भी फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इश्यू आएगा, और वो एनजीटी में केस चल रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग केस है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ कांड दिख रहा है। अब 6 महीने के अंदर जो सीबीआई और ईडी को केस खत्म करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 6 महीने में 2024 के चुनाव हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर ये चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हो जाएंगे, तो अब आप समझिए कि अगले 6 महीने घटनाक्रम बहुत तेजी से होगा। और केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ी मूर्खता जो करी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सबसे बड़ी मूर्खता ये करी कि उस इंसान को इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, उसके खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया, जिसे कहते हैं ना एक मतलब कि मेरे पिताजी ने जब मैं पढ़ता था तो एक शेर भेजा था, मुझे याद है, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़। जी हाँ जी हाँ, प्लीज प्लीज। उसमें शेर का मतलब ये सर उसमें कि दुश्मनी करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज स्थिति केजरीवाल ने क्या कर दी है, ये चीफ सेक्रेटरी के आगे आंख नहीं मिला पाएंगे। पहले इन्होंने इनको बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के ले गए, उल्टे सीधे आरोप लगाए, हाई कोर्ट से इनको फटकार पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, और अब उसी कमेटी में जाके इनको बैठना है, उसी हर मीटिंग में बैठना है जहां पे चीफ सेक्रेटरी होंगे। केजरीवाल साहब को एम्बेरेस करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब जरूर मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि वो तो चीफ सेक्रेटरी है, सारे अधिकारी तो उनके लिए है। अब केजरीवाल अगर मीटिंग में आते हैं
तो शर्मिंदगी, नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम। तो केजरीवाल साहब तो दोनों तरफ से फंस गए। तो ऐसी मूर्खताएं नहीं करनी चाहिए, जो अक्सर लोग अपने ईगो में, अपने कहीं ईगो ट्रिप में, कहीं गलत फहमी में कि मैं हरीशचंद्र हूं, मैं महात्मा गांधी से बड़ा नेता हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भगत सिंह की औलाद हूं, ये नाटक करते करते इतना आगे निकल गए कि इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। पर विजय जी, आपको लगता है कि अब चीफ सेक्रेटरी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग्स एक दो से ज्यादा होने पाएंगी? क्योंकि लग तो यही रहा है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद तो मेरे विचार से इनका बुलावा आ जाएगा, समन इनको जारी हो जाएगा, या हो सकता है कि ईडी के अधिकारी सीधे शीश महल ही पहुंचे। हाँ सर, हो सकता है, ये तो बहुत कुछ संभावना है। जैसा मैं हमने शुरू में भी चर्चा करी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 महीने में निपटाओ इस केस को। अगर आप 6 महीने में नहीं निपटाते हो तो बेचारा मनीष सिसोदिया तो पूरी जिंदगी जेल रहेगा। भाई उनको भी तो जो सजा मिलनी है वो कम से कम पता तो लग जाए कितने साल सरकारी खाना खाना है। तो ये तो तभी पता लगेगा ना जब केस खत्म होगा। तो ये कुल मिला के स्थिति तो ये है सर कि हाँ ये कम होंगे, लेकिन इनके लिए मुसीबतें और हो गई कि जो भी अपने यहां रिप्लेसमेंट लेके आएंगे चीफ सेक्रेटरी के आगे वो कांपेंगे, क्योंकि एक तो उनको कुछ पता नहीं होगा कि कानून क्या है और राज्य चलता कैसे है, और उनको हर बात में फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के हिसाब से ही चलना होगा, और अगर वो चीफ सेक्रेटरी साहब के हिसाब से नहीं चलते तो फिर राज्य चल नहीं पाएगा। जब राज्य चल नहीं पाएगा तो फिर LG साहब को कंप्लेंट जाएगी कि सर ये मंत्री कुछ काम नहीं कर रहे हैं या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जो भी है, क्योंकि सीधा काम करना तो इन्होंने सीखा नहीं। तो अब सवाल इस बात को लेके आ जाएगा सर कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा अगर अराजकता बढ़ेगी तो, और ये भी हो सकता है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 6 महीने बाद यही चीफ सेक्रेटरी को जब हमारे एग्जिस्टिंग LG का अगर टेन्योर कंप्लीट हो तो उनको LG बना दे। इस संभावना से भी आप इनकार मत करिएगा, क्योंकि दिल्ली को चलाने के लिए एक इंपॉर्टेंट आदमी चाहिए जो दिल्ली के खेल को समझता हो। तो जब सक्सेना साहब का टेन्योर कंप्लीट होगा या उनको कहीं और बड़ी जिम्मेवारी पे भेज दिया जाएगा, किसी और राज्य में मान लीजिए राज्यपाल बना के भेज दिया जा सकता है, तो जब दिल्ली में 6 महीने बाद जगह खाली होगी तो हो सकता है चीफ सेक्रेटरी साहब LG बन जाए, क्योंकि ऐसे बहुत पुराने घटनाक्रम हुए हैं जब चीफ सेक्रेटरी बाद में LG बने। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और यहीं प्रोग्राम को विराम देंगे। सरदाना जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई हैं और संकेत भी दे दिया कि बहुत संभव है। हालांकि मेरा तो मानना है कि 3 दिसंबर के बाद दिसंबर का पूरा महीना गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा कह नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल भी अपने साथियों के साथ संभवतः तिहाड़ में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना साहब, आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।